दिए हैं। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है आपका नर्वस सिस्टम, हम बाद में बताएंगे। परसेप्शन क्या है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, ठीक है। परसेप्शन जो है, पहले आप एक जो ऑथर का जो डेफिनेशन है उसको नोट कर लो। परसेप्शन का जो परिभाषा है वो इस तरह से है, प्रत्यक्षण एक सक्रिय चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण एक सक्रिय चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक अंगों तथा बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का तात्कालिक अनुभव होता है। सब लोग नोट कर लेना। आप देखो, प्रत्यक्षीकरण जो है, प्रत्यक्षण है, उसको एक सिंपल वे में बोलते हैं कि सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू प्रत्यक्षण। सेंसेशन जब संवेदना होता है किसी चीज और उस सेंसेशन, उस उत्तेजना में अगर अर्थ जुड़ गया तो वो प्रत्यक्षण कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको कोई पिन चुभा दिया, ठीक है, तो पिन चुभाया तो आप में उत्तेजना हुआ और आपके आपका जो ये उत्तेजना है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन में ऑलरेडी पहले से आपके पास स्टोर है कि ये चुभन सुई की थी या चीटी काटा या कोई कीड़ा काटा। आपको पता चल जाता है ना कि ये सुई का चुभन था, ये कीड़ा नहीं काटा, है ना। जब वो चुभन में अर्थ जुड़ गया कि ये चुभन पिन का चुभन है, तो इसको हम कहेंगे परसेप्शन, मतलब अर्थपूर्ण ज्ञान हो गया, ठीक है। किसी भी चीज उत्तेजना का आपका संवेदना क्या है, संवेदना बस आप उत्तेजित हो गए, है ना। पिन चुभा, आप में एक सेंसेशन आया सेंसेशन चुभन का, लेकिन उस सेंसेशन के साथ अगर मीनिंग जुट गया, अर्थ जुट गया, तो क्या हो गया, प्रत्यक्षण हो गया, परसेप्शन आया। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ नहीं? चलो पहले डेफिनेशन को समझ लो। प्रत्यक्षण एक सक्रिय चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। सबसे पहले जो परिभाषा है, उस परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, वो है प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। अब उद्दीपक क्या होता है, चुंबली जो आपको उत्तेजित करता हो, है ना। मतलब कि कोई भी तस्वीर है, कोई भी खुशबू है जिससे आप उत्तेजित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसी को हम उत्तेजना या स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। अगर उद्दीपक नहीं होगा, स्टिमुली नहीं होगा, तो आप उत्तेजित नहीं हो पाइएगा, है ना। सपोज करिए कि आप रूम में बैठे हैं, है ना, और रूम में बैठे हैं और आप एक्साइटेड हो जाते हो ना, आप एक्साइटेड होते हो ना, होते भी नहीं हो। इसके घर से आ रहा है आवाज बहुत, पता नहीं मैम, बीकानाज नहीं मैम, मेरे घर से आज नहीं आएगी आवाज। घर से आ रही आवाज नहीं मैम, आज तो सबको शांत करा दिए हैं। अब बच्चा लोग का आवाज शांत हो गया,
तो कह रहा है कि किसी भी परसेप्शन के लिए उद्दीपन का होना, स्थिति का होना अनिवार्य है। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझ लो कि सपोज करो अगर तुम बैठी हो, बताया कि अरे ये जो पर्टिकुलर आदमी ये इसका नाम ये है, बहुत हल्ला है, तुम लोग के साथ बहुत धीरे नहीं रहते हैं, कल इतनी अच्छी आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ इतना हल्ला हो रहा है, इसके घर से आवाज आ रही है, वो म्यूट कर लो अपना, है ना? ऐसा नहीं आप जाके बोलते हो कि अरे अरे ओहो आवाज नहीं जा रही अच्छे से, नहीं मैं